गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेल्थ केयर के ऑथेंटिक वीडियो में आपका स्वागत है। नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिले इसके लिए जरूरी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबाएं। इस वीडियो में बात करते हैं लेप्टेंड्रा की, एक बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन है बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। डिटॉक्सिफिकेशन मीन्स कुछ मटेरियल बायोकेमिकल प्रोसेस द्वारा बनते रहते हैं जो कि बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, पहुंचाते हैं, तो ऐसे सभी केमिकल को बाहर निकालना जरूरी है और इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन। यानी बॉडी के अंदर कुछ हार्मफुल वेस्ट मटेरियल बन गए हैं जिनको शरीर से बाहर निकालना जरूरी है, अन्यथा कई बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यूं समझ लीजिए कि अगर लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन होता रहा है किसी को भी, तो उस कॉन्स्टिपेशन की वजह से, कॉन्स्टिपेशन तो एक समस्या है लेकिन उसकी वजह से एलडीएल ट्राइग्लिसराइड्स भी बॉडी में बढ़ते रहेंगे, क्योंकि जो एलडीएल है ये बैड कोलेस्ट्रॉल है, इसको बॉडी बाहर निकालना चाहती है लेकिन कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से मजबूरी में इसको एब्जॉर्ब कर लेना पड़ता है। तो इसी तरीके के और केमिकल हैं जो कि बॉडी से निकलना जरूरी है लेकिन बॉडी में इकट्ठे हो जाते हैं, उसी को निकालने की प्रक्रिया को डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं और ये बेहतर तरीके से करता है लेप्टेंड्रा। और कई मेडिसिन है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए लेकिन उसमें से एक मेडिसिन लेप्टेंड्रा भी है। तो इस पूरे वीडियो में हम लोग समझते हैं कि जो लेप्टेंड्रा है किस तरह से डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो देखिए, जो बॉडी के पार्ट हैं जैसे लीवर है, ठीक है, इस तरह से लीवर और लीवर से जुड़े हुए जो इसके जो सहायक कंपोनेंट हैं वो यहां पे इस तरह से क्या है कि स्प्लीन है, मान लीजिए इस तरह से स्प्लीन और यहां पे इस तरह से पैंक्रियास, ठीक है, इस तरह से ये पैंक्रियास है। उसके साथ साथ यहां पे आंत है, आते, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, अब होता क्या है कि ये जो एसेसरी कंपोनेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम के, यानी पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्प्लीन, पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और लीवर से मिलकर बनता है। अब होता क्या है कि जैसे इन पार्ट्स को सर्कुलेशन आ रहा है, यानी स्प्लीन को भी आ रहा है, पैंक्रियास को भी आ रहा है, ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन को भी और लार्ज इंटेस्टाइन को भी, तो इनको जो सर्कुलेशन आ रहा है ये अपना काम कर ही रहे हैं। स्प्लीन बॉडी के अंदर ऐसे आरबीसी जिनकी एज पूरी हो गई है उनको तोड़ के बाहर करता है। अब उस डिग्रेडेशन में भी कुछ हार्मफुल केमिकल बनते होंगे। पैंक्रियास इंसुलिन बनाता है शुगर को कंट्रोल करने के लिए। तो अब इन सबको ब्लड आया, ये सब कुछ काम किए, उसके बाद इन सब का जो ब्लड है इकट्ठा हो जाता है, इस तरह से इकट्ठा होने के बाद पहुंचता है लीवर तक, ना, यानी यहां से होके ऐसे ये पैंक्रियास का भी, स्प्लीन का भी और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन सबका ब्लड इकट्ठा होकर यहां पे आता है। कुछ लोगों में ये जो वेन है इसको बोलते हैं पोर्टल वेन, पोर्टल वेन, ठीक है, तो ये जो पोर्टल वेन है इसी पर कंजेशन हो जाता है। तो पोर्टल वेन में जो कंजेशन है उस कंजेशन को लेप्टेंड्रा कम करता है। तो यहां से जब पोर्टल वेन में कंजेशन जब यहां पे हो गया है तब समझ लीजिए कि जो मटेरियल इधर आना चाहिए था लीवर उनको तोड़ के बाहर निकालता, लीवर तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, और लीवर तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं तो स्प्लीन में दिक्कत आ सकती है, पैंक्रियास में, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इस तरह से इन सब के अंदर का जो टॉक्सिक मटेरियल जो बन रहा होगा
वो लीवर तक नहीं पहुंचेगा, लीवर उसको तोड़ के बाहर नहीं निकल पाएगा। कारण पोर्टल वेन में कंजेशन है, या यूं समझिए कि यहां पे सर्कुलेशन बहुत स्लो हो जा रहा है, इनफीबल सर्कुलेशन है। तो अब लीवर पूरा काम ठीक से नहीं करेगा, और लीवर ठीक से काम नहीं करेगा तो कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, उसमें से कॉमन है जांडिस, यानी पूरी स्किन हल्का सा येलोइश कलर की हो जा रही है, और बिलरुबिन, बिलवर्डिन ये सब केमिकल्स बढ़ जा रहे हैं। बिलरुबिन बढ़ जाता है तो पूरी बॉडी में खुजली होने लगती है, तो एक जांडिस हो सकता है। और जो बाइल है उसकी क्वालिटी कमजोर बनेगी, तो स्टूल जो है ब्लैक स्टूल आ सकता है, ब्लैक स्टूल। और यहां का जो मटेरियल पूरा लीवर तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो जो आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, वो सभी सक्रिय तरीके से नहीं काम कर रही हैं, तो पेट में गैस बन सकती है, इनडाइजेशन हो सकता है, डकार आ सकती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बार बार डकार आती रहती है, पेट साफ नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन है। अब उस कॉन्स्टिपेशन की वजह से क्या होगा, स्टूल को पास करने के लिए प्रेशर लगाते हैं, और कॉन्स्टिपेशन बड़ी बीमारी है, तो उस स्टूल को पास करने के लिए जब आप प्रेशर लगाते हैं तो उस प्रेशर का नुकसान दो तरीके से है, एक तो हार्ट पे और दूसरा रेक्टम पर, एक हार्ट पे और दूसरा रेक्टम पर। रेक्टम पे प्रोलैप्स हो सकता है, ज्यादा देर तक स्टूल के लिए टॉयलेट में बैठना और प्रेशर लगाना हार्ट को भी प्रभावित करेगा, और जो रेक्टल वेन है, जो रेक्टम है, उसको प्रभावित करेगा। हेमरॉयड्स हो सकते हैं ना, फिस्टुला होने की संभावना बनती है, और इन सब का सीवियर फॉर्म अगर देखा जाए तो रेक्टल प्रोलैप्स हो सकता है। तो रेक्टल प्रोलैप्स की भी संभावना, पाइल्स, ब्लीडिंग पाइल्स, नॉन ब्लीडिंग पाइल्स, कॉन्स्टिपेशन, इस तरह से कई बॉडी में दिक्कतें धीरे धीरे उत्पन्न होती रहती हैं, और इनके समाधान में टाइम लग जाता है अगर पहले से ध्यान न दिया जाए। तो देखिए, बॉडी के अंदर अगर टॉक्सिक मटेरियल इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं तो उसमें से कई इंडिकेशन आते हैं, उसमें से पहला ही कि भूख प्यास ठीक नहीं लगती है, कमजोरी सी लगी रहती है बॉडी में, जैसे एनर्जी ही नहीं रहती, और जो टंग है, जो जीव है, उस पर कुछ मटेरियल डिपॉजिट होने लगता है, सफेद पीला कलर का इस तरह से मटेरियल डिपॉजिट होने लगता है, शरीर में एनर्जी सी नहीं लगती है। तो इस तरह से बॉडी अपना इंडिकेशन बताती है कि बॉडी के अंदर टॉक्सिक मटेरियल ज्यादा हो रहे हैं, और उस टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए लेप्टेनरा का आप यूज करें। लेने का तरीका सिंपल सा है कि किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर आप चले जाइए, लेप्टेनरा का मदर टिंचर क्यों ले लीजिए, इसका 15 बूंद 1/4 कप पानी में घोल के तीन बार लीजिए, लगभग 2 महीने तक लीजिए। तो जो पोर्टल कंजेशन है, जो रेक्टल प्रोलैप्स है, या फिर जो कॉन्स्टिपेशन है, इन सब समस्याओं की वजह से जो बड़े हार्मफुल रिजल्ट बॉडी में दिखते, वो सब दिखना कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह से जो पोर्टल वेन का जो कंजेशन है वो कई बीमारियां उत्पन्न कर देता है, उसकी वजह से कई लोग दुखी रहते हैं। तो इस तरह से बेहतरीन मेडिसिन है लेप्टेनरा। कुछ बात नई पता चली आपको तो इस वीडियो को शेयर कर दें, फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर कर दें, किसी को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, हो सकता है उसके नियर बाय रिलेटिव में किसी को दिक्कत हो तो वो ठीक हो जाएगा आपकी वीडियो शेयर करने से। तो इस तरह से बात आज हुई लेप्टेनरा की।
बात समझ में आई तो इस वीडियो को और लोगों को शेयर करें ताकि उनकी भी इन्फॉर्मेशन बढ़े और बीमार होने की संभावना कम हो। थैंक यू।